सन फिटनेस इंडिया में आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ प्री वर्कआउट के बारे में, जो मैंने एक लॉकडाउन से पहले ख़रीदा था और काफ़ी टाइम उसको मैंने यूज़ भी किया था और अब थोड़ा बहुत रह गया था वो। और बीच में लॉकडाउन होने के बाद जब जिम सारे क्लोज कर दिए गए गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के बाद, तो आज मैंने उसको निकाल के देखा और मैंने जब उसको देखा तो मैं शॉक रह गया। शॉक इसलिए रह गया क्योंकि जब मैंने उसको देखा तो उसके अंदर बिल्कुल भी ज़रा सा भी वो पाउडर फॉर्म में नहीं था, बिल्कुल वो सॉलिड हो चुका है। और उसके अंदर जब वो सॉलिड है तो एकदम वो मॉइस्चर से भरा हुआ है। साथ में जिस प्री वर्कआउट की बात कर रहा हूँ जो कि मैंने ख़रीदा था, वो ये वाला है प्रोबस्ट का प्रीडेटर। काफ़ी लाइट प्री वर्कआउट है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैं प्री वर्कआउट लेता नहीं हूँ क्योंकि मेरे को इतनी जरूरत पड़ती नहीं है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेंगे तो आपको फिर उसकी हैबिट हो जाती है। तो ये इसमें सिर्फ 150 mg कैफीन है, कुछ ज़्यादा कैफीन इसमें है नहीं। बेसिकली कैफीन और हमारे को जो कुछ एक दो और इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसकी हैबिट हो जाती है, जिस वजह से हमें ऐसा लगता है कि भाई हम अगर अब जिम जाएंगे तो उसके बाद बिना प्री वर्कआउट के तो हमसे कुछ होगा ही। माइंड में काफ़ी मिथ रहता है लोगों के कि भाई बिना प्री वर्कआउट के बड़ा पॉसिबल नहीं है, पंप नहीं होता, ये नहीं होता, वो ये सब बेकार की बातें हैं। इसकी आदत ना डालें तो बहुत बढ़िया है, बट इनका शेड्यूल काफ़ी टाइट रहता है। 5-6 दिन वो वर्क करते हैं हफ्ते में, और उनको जिम भी जाने का, अपने वर्कआउट में और एक्सरसाइज करना भी पसंद है। तो मैं उनको रेकमेंड करूँगा कि वो अगर मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं तो वो इसको ले सकते हैं। इवनिंग में इसका आपको पता ही है, इवनिंग में अगर आप इसको लोगे तो आपका रूटीन ही ख़राब होएगा और तो कुछ भी नहीं होएगा, क्योंकि इवनिंग में लेने के बाद 10-12 घंटे तक आपको नींद ही नहीं आनी, क्योंकि प्री वर्कआउट में ज़्यादातर मोस्टली 90% प्री वर्कआउट में कैफीन होता है जो कि काफ़ी हाई होता है। आप 1.5-2 घंटे भी अगर आप एक्सरसाइज कर ले तो फिर भी ये आपकी बॉडी में 10-20% तो ये रह ही जाता है। रिव्यू के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये काफ़ी एक लाइट सा प्रोटीन है जिसमें सिर्फ 150 mg कैफीन है, तो बहुत कुछ खास नहीं है ये। अगर आप हार्ड प्री वर्कआउट लेना चाहते हैं, अगर आपको है, अगर आदत है और अगर आप हार्ड लेना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ये बेकार है। बाकी इसके प्राइस की बात करूँ तो ये 1500 से 1600 के बीच में आ जाता है, और टेस्ट के हिसाब से कुछ मुझे इतना खास लगा नहीं है। तो ओवरऑल मेरे को अगर मैं इसकी रेटिंग देना चाहूँ तो मैं इसको 2.5 या 3 स्टार देना चाहूँगा 5 में से, बाकी मेरे हिसाब से कोई इतना कोई ख़ास ये है नहीं। चलो देखते हैं कि प्री वर्कआउट में क्या इसकी हालत हुई है, आपको दिखाता हूँ मैंने इसको क्या किया और इसको आगे कैसे इसको मेंटेन कैसे रखना है जब तक ये ख़त्म नहीं होता। अगर आपका ये आपके साथ तो ये है मेरा प्रीडेटर प्रोबस्ट का एक प्री वर्कआउट जो कि काफ़ी मॉइस्चर से भरा पड़ा है, और आप जैसे देख रहे हैं कैसे ब्लॉक्स में हो गया है, मेरे हाथ से निकालने पे ही ये बाहर आ रहा है। और बिल्कुल भी जब मैंने इसको डब्बे को उल्टा किया तो बिल्कुल भी ये बाहर नहीं आया। एक मैनुअली तरीके से पीस रहा हूँ, जिस तरह हमारे घर की लेडी पीसती थी उसी तरह मैं इसको हाथ से कर रहा हूँ, ताकि अच्छी तरह एक फ्लैट अपनी पोजीशन में आ जाए और बिल्कुल स्प्रेड हो जाए बिल्कुल, जिससे कि इसका मॉइस्चर निकल जाए। तो ये बिल्कुल देखिए अब इस टाइम फ्लैट हो चुका है, बट इसमें मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने एक टिशू पेपर इसके अंदर बॉक्स में लगाया ताकि इसकी मॉइस्चर सारा निकल जाए। प्री वर्कआउट की वीडियो जिसमें आपको मैंने दिखाया कि कैसे मैंने इसको दोबारा से पाउडर फॉर्म में किया और इसको मैंने कैसे टिशू पेपर के अंदर डाल के इसको मैंने एयर टाइट किया है। बाकी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर ये पाउडर फॉर्म में दोबारा नहीं हो रहा तो इसको बिल्कुल भी कोशिश ना करें ज़्यादा तोड़ने की मरोड़ने की, क्योंकि फिर ये बेकार हो चुका है। अगर ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है, मेरा ये जो प्री वर्कआउट था इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा था, जैसे आपने देखा होगा कि उसमें ऑरेंज ऑरेंज पन भी आ रहा है। मेरे पास जो फ्लेवर है ये फ्रूट पंच जो कि ऑरेंज से कलर में छाते हुआ लाइट पीच कलर में, मैंने इसको ग्लास में डाला, वो मैंने आपको वीडियो में दिखाया नहीं है, वो बिल्कुल ही मेल्ट हो गया था, घुल गया था बिल्कुल पानी में, इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक था। पीने के बाद इसका मेरे को काफ़ी अच्छा असर भी हुआ। तो ओवरऑल ये मैंने यही कहना चाहूँगा कि जो मेरा प्री वर्कआउट है ये बच गया है जो पैकने से, अच्छी बात है।
₹1500 का मैंने ये ख़रीदा है, ₹1500 कुछ कम नहीं होते अगर मैंने ख़रीदा तो। बता के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस बारे में देखना चाहते हैं। और इस वीडियो में आपको कोई कमेंट करके बताना हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करें या सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में आप।